हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य आर्यन, वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस 2020 के बारे में ए से लेकर जेड तक हम पूरी 0 से 100 सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, और जितने भी डाउट आप लोग बार बार हमें पूछ रहे थे उनको सबको क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हमने 85 क्वेश्चंस को चुना है और उन 85 क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस के लिए एक भी डाउट यहां पर नहीं बच पाएगा। बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली आप लोगों के लिए, तो मैं एक भी सेकंड यहां पर इस वीडियो का खराब नहीं करना चाहूंगा और जल्दी से जल्दी आपको ले जाना चाहूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में हमसे ये मत कहिएगा कि यहां पर ये चीज मिस हो गई थी, क्योंकि हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश की है। तो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो हियर वी आर, वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और यहां पर आप देख रहे होंगे एडमिशन 2021 के लिए हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए आपके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम आपसे 85 क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनका आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये लोग सब चीज़ पूछ रहे थे और आपके फॉर्म में भी यहाँ पर आपके लिए काम आ सकती हैं, और आपके जनरल डी यू एल एल बी एंट्रेंस के लिए जो भी डाउट्स थे हमने सबको क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए जी, अब उसके बाद हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वीडियो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे कहता आया हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं, कि वाई शुड आई अप्लाई फॉर डी यू एल एल बी कोर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि डी यू एल एल बी का कोर्स जो है वो प्रेस्टीजियस कोर्स है, आप सभी को पता है लॉ कोर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज यहाँ से निकले हुए हैं, हमारे एलुमनाइज बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, तो यहाँ पर फैकल्टी की तारीफ की गई है। अब फैकल्टी ऑफ लॉ कहाँ सिचुएटेड है आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये है छात्रा मार्ग पर नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। नॉर्थ कैंपस कभी आप आएँ तो यहाँ पर लॉ फैकल्टी देख सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉ फैकल्टी जो है वो वेरी वेल कनेक्टेड है, और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन सबसे पास है। इसके अलावा यहाँ से आप जीटीबी आपको पास पड़ता है, जीटीबी नगर भी आप देख सकते हैं, और विधानसभा उससे पहले पड़ता है तो आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पास तो विश्वविद्यालय में है, और यहाँ पर आप देखें तो इसे वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा। इस डी यू एल एल बी कोर्स का 5 ईयर कोर्स लॉ नहीं जी, 3 साल की लॉ है, और ये आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से अगर आपने की हुई है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में अगर आपके आपकी यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रही है तो आप अदर्स में जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं। अब आर द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जाम ग्रेजुएशन आर एलिजिबल फॉर डी यू एल एल बी कोर्स। जी, अगर आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन अभी देंगे और यहाँ पर आपके लिए एडमिशन के टाइम तक आपकी जो फाइनल ईयर एग्जाम्स है वो क्लियर हो जाते हैं, तो हाँ जी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ये आप क्वेश्चन बहुत पूछते थे, तो जी आपको आज सवाल का आंसर मिल जाता है। 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो यहां पर 45% आपको चाहिए मिनिमम। ठीक है, और यहां पर ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी के लिए यहां पर 40% है, तो आप उसे भी याद रख सकते हैं। चलिए जी, अब यहां पर हम बात करते हैं यहां पर 12th के लिए कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी बड़ा आंसर है, बहुत बड़ा आंसर है इसका, नो नहीं कर सकते, आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स है ये। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आपके लिए व्हाट आर द डिफरेंट सेंटर्स, तो 3 सेंटर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं बार बार कि कौन कौन से हैं, तो वो हैं LC1, LC2 और यहाँ पर CLC। ठीक है जी, अब इनकी टाइमिंग्स का फ़र्क है, बाकी ये तीनों ही सेंटर इक्विवेलेंट है। हायर की जब बताई गई है तो यहाँ पे कहा गया नो हायर की, ईच हायर सेंटर इज इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका। तो LC1 और LC2 आपके लिए उमंग भवन में है, और CLC आपके लिए ओल्ड बिल्डिंग में है, तो आप जाएंगे तो वो तीनों आपको दिख जाएंगे। और अगला सवाल भी यही है कि आर द सेंटर सिचुएटेड एट वन प्लेस। जी हाँ, तीनों एक ही जगह हैं, न्यू बिल्डिंग उमंग भवन में LC1 LC2, और CLC की क्लास जो ओल्ड बिल्डिंग में होती है, और दोनों ही आपस में 5 मिनट की दूरी पर है। वैसे ये 5 मिनट भी नहीं है, अगर आप फास्ट चलते हैं तो 2 या 3 मिनट में इसे कवर कर सकते हैं, और आप आएंगे जब इसे देख लेंगे, क्योंकि जो LC1 के जो ऑफिसेज हैं या लाइब्रेरी है ये ओल्ड बिल्डिंग में ही है। अब उनके बाद टाइमिंग क्या है, देखिए इन तीनों के सेंटर के लिए डिफरेंस के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और सही, आपको सिर्फ टाइमिंग्स अगर जाननी है तो टाइमिंग्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है। LC2 की टाइमिंग 8 से 2 है, CLC की टाइमिंग 8:30 से 3:30 है, और LC1 की टाइमिंग 2 से 7 है, यहाँ पर इसे आप 7:30 कह सकते हैं, 7:30 तक हमारी क्लासेस होती हैं। चलिए जी, उसके बाद आते हैं कोर्स करिकुला, पेपर ऑफर्ड, सिलेबस में कुछ डिफरेंस है, नो, बड़ा नो, सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग्स का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं है।
चलिए जी, सेमेस्टर एग्जाम्स भी सिमिलर शेड्यूल, सेम शेड्यूल, सेम क्वेश्चन पेपर होता है। चलिए जी, उसके बाद हम आते हैं व्हाट अ कैंडिडेट शुड डू आफ्टर काउंसलिंग। अब पहले आपका एडमिशन होगा, उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, फिर आप एंट्रेंस देंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, एडमिशन्स की लिस्टें आती हैं जब, और उसके बाद क्या करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड के बाद आप नोटिस चेक करते रहिए क्लास कब शुरू होती है। चलिए जी, उसके बाद आते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पे। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर करंटली ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू चिल्ड्रन ऑफ वॉर एट्सेट्रा को दिए जा रहे हैं। अब ओन लाइब्रेरी है सबकी, जी हाँ, तीनों सेंटर्स की अपनी अपनी लाइब्रेरी है। LC1 की लाइब्रेरी ओल्ड बिल्डिंग में है, CLC की लाइब्रेरी भी ओल्ड बिल्डिंग में है, LC2 की लाइब्रेरी नई बिल्डिंग में है। उसके बाद हम आते हैं मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो जी 70% अटेंडेंस आपको चाहिए, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। वैसे यहाँ पर रिजिडली कहा जाता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो। आर एनी रीडिंग मटेरियल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड, येस, यहाँ पर आपको कोर्स मटेरियल या फिर केस मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक बार। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इनकी, जी हाँ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, आपको वहाँ पर दिख जाएंगी जब आप जाएंगे, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर यहाँ पर बाजू में ही दिख जाएगा जब आप LC1 जाएंगे, तो उमंग भवन के बगल में ही है। डू सेंटर्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़, येस, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं यहाँ पर, सेमिनार वगैरह चीज़ें फलाना ढिकना चलती रहती हैं जी। आपको फेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं नाम के, ठीक है, फ्रेशर्स भी देखने को मिल जाती है, उसके बाद फेयरवेल भी इस साल तो नहीं देखने को मिली, लेकिन अगले साल उम्मीद करते हैं हमें मिले। चलिए, डू द सेंटर्स हैव मोटकोट सोसाइटी एंड लीगल सर्विस सोसाइटी, तो जी हाँ, MCS भी है सब में, और यहाँ पर लीगल एड सोसाइटी यानी LSS लीगल सर्विस सोसाइटी भी है। चलिए जी, अब उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, लेकिन ये यहाँ पर हर बार स्पोर्ट्स फेस्ट एक दो दिन का होता है, नाम का होता है, ज़्यादा आप उत्साहित मत होकर आइएगा कि आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा वो दिया जाएगा, मोर ऑफ ये प्रोफेशनल कोर्स है। आर देयर एनी ग्रीवेंस कमिटीज़, जी हाँ, ग्रीवेंस कमिटीज़ हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हाउ मेनी पेपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर टू गेट प्रमोटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट टू सेकेंड ईयर के लिए आपको 5 पेपर होने चाहिए, ठीक है, 5 पेपर। उसके बाद यहाँ पर सेकंड से थर्ड होने के लिए आपको 15 पेपर, अगर ये आपके क्लियर हैं तो आप दूसरे साल में जा सकते हैं। चलिए जी, डू द सेंटर प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटी, नो, बिग नो, सेंटर नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर LLB के लिए 18 सीट्स यहाँ पर है, ठीक है, 18 सीट्स हैं, अलग अलग यहाँ पर हॉस्टल्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर आप उनकी वेबसाइट, हॉस्टल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। Does each center has its own faculties? जी हाँ, सबकी own faculties हैं, आपस में ट्रांसफ़र होती हुई बहुत दिख जाती हैं ये फैकल्टी, हर साल दो साल में ये ट्रांसफ़र होती रहती हैं एक दूसरे सेंटर से। What are the bare acts? Do center provide it? देखिए, bare act जो है वो statute होते हैं, वो आपके लिए study के लिए essential हैं, और law papers के लिए भी जितने भी आप exam देंगे सब में maximum में bare act आपको मिलेंगे। Center सिर्फ और सिर्फ case material provide करता है, bare act provide नहीं करता है। जी आगे बढ़ते हैं, Do each center has its own general? जी हाँ, आपको दिख जाएंगे तीनों की। डू ई सेंटर ऑल्सो ऑफर LLM? नहीं, सेंटर ऑफर नहीं करते LLM प्रोग्राम, LLM प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोवाइड करती है, तो जो LLM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगले दो तीन क्वेश्चन उनके लिए है। व्हाट आर द डिफरेंट LLM प्रोग्राम? LLM प्रोग्राम आपके लिए 2 ईयर LLM है यहाँ पर, 3 ईयर LLM प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए मास्टर इन कंपैरेटिव लॉ भी यहाँ पर डिग्री परफॉर्म दी जाती है फॉरेन स्टूडेंट्स को। इज एनी स्पेशलाइजेशन ऑफर टू ड्यू फॉर LLM एंड LLB स्टूडेंट्स? नहीं, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं दी जाती है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस ऑफ LLB एंड LLM? अब पैटर्न की बात हम कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके लिए MCQ, और उनको आपको आंसर करना होता है, उसके लिए आगे आपको बताया जाएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ LLB, इसके लिए आप देखिए ब्राउचर देख लीजिए। वैसे अगर मैं श्योर हूँ तो 6 या 7 साल है, इतना मेरे को कंफर्म नहीं है, उम्मीद करता हूँ 3 साल में ही आप सभी लोग क्लियर कर जाएंगे। चलिए, हाउ मैनी सीट्स आर अवेलेबल? तो ये हॉट क्वेश्चन था इस बार, सीट कितनी अवेलेबल हैं DLLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए और LLM के लिए। तो जी 3320, मैं यहाँ पर बड़ा लिख देता हूँ, 3320 सीट्स इस बार हर एक सेंटर को मिली हैं, 1107, 1106 और 1107, यहाँ पर ये CLC, LC1, LC2, तो लगभग सेम सीट हैं, एक सीट कम है यहाँ पर LC1 में, यहाँ पर आप देखें तो। और ये आपके लिए हॉट टॉपिक था, आप लोग बहुत पूछ रहे थे। चलिए जी, आपका आंसर मिल गया। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट
ऑफ स्टडिंग LLB फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है जी, अब यहाँ पर अपनी तारीफ की गई है कि क्या क्या है यहाँ पर, आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। आपको पढ़ने का मन करे आप रोकिए और आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो? तो जी 1:36, एक टीचर के ऊपर 36 बच्चे। टिपिकल क्लास साइज़ है 60 के आसपास एक सेक्शन में बच्चे होंगे। आप जब आएंगे, जब आप ज़रूर देखेंगे इसे। चलिए जी, उसके बाद आपके लिए प्लेसमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जी हाँ, तीनों ही सेंटर की प्लेसमेंट कमेटियाँ हैं, वो लुक आफ्टर करती हैं इस इशू को। लुक आफ्टर करती हैं मतलब अभी इतने अच्छे नहीं है, उम्मीद करता हूँ एक दो साल में और अच्छे हो जाएँ। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ टीचिंग? इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल मीडियम। ठीक है, अब स्टूडेंट कैन ऑल्सो राइट एग्जामिनेशन इन हिंदी। अगर आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स के लिए आप भगवान भरोसे रहिएगा, बाद में मत कहिएगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन LLB कोर्स? ठीक है, 3 साल के कोर्स के लिए क्या है? तो आपके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। उसके बाद एडमिशन आपके स्कोर के बेस पर होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन LLM कोर्स? जी LLM के लिए भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप उसके थ्रू आ सकते हैं। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है LLB के लिए? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए, आप ग्रेजुएट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों, आप दे सकते हैं ये। ठीक है, अब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। नो कैंडिडेट हु हैड पास LLB, दूसरी बार आप LLB नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आके। अब नो कैंडिडेट ऑन द रोल्स ऑफ LLB या फिर एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी शैल बी अलाउड टू टेक एडमिशन कोर्स अनलेस देयर एडमिशन गॉट कैंसिल्ड। आप एडमिशन को कैंसिल कराइए, उसके बाद आप एंट्रेंस दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए जी, मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है? 50% यहाँ पर जनरल के लिए, OBC के लिए 45 और SC ST के लिए 40%। चलिए, उसके बाद राउंडिंग ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स इज़ नॉट अलाउड। आपके कंप्लीट होने चाहिए, राउंड ऑफ करके ना हो। कहीं आप ये कहें कि जी मेरा तो 49.6 है तो उसे आप 50 मान लीजिए, जी नहीं, 50 होना चाहिए। चलिए, इस दरिन एज बार नहीं है, नो एज बार, किसी भी एज के लोग यहाँ पर भर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए जी, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन इसके लिए दी गई है कि अगर किसी और LLB की हो कहीं और से, या फिर आप LLB स्टूडेंट हो या एक्स स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी के, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद कोर्स रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मार्क्स रिक्वायरमेंट दी गई है 50% की। कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं आप रोक कर यहाँ पर देख सकते हैं। 45 यहाँ पर OBC के लिए और 40% यहाँ पर SC ST के लिए। चलिए जी, उसके बाद दोबारा से आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। तो LLM के लिए भी सेम डिस्क्वालिफिकेशन है जो हमने LLB के लिए बताई थी, कि आप कहीं और से LLM ना कर रहे हो और कहीं के LLM स्टूडेंट या फिर एक्स स्टूडेंट ना हो। चलिए जी, रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, रिलैक्सेशन जी नहीं है। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 50%, वो मैंने बताया वही कैटेगरी रहेगी। हाउ टू फिल DU LLB और LLM यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म? तो सबसे पहला स्टेप है, आप रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन DU LLB एग्ज़ाम के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट पोर्टल आपके लिए खुला हुआ है, 4 जुलाई तक वो पोर्टल खुला रहेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, फिल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या भरना होगा? कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, क्वालिफाइंग जेंडर, प्रोग्राम प्रेफरेंस, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस में आप देख लीजिए कौन कौन से सेंटर इस बार दिए गए हैं, उनमें से आप चुन लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज प्रेफरेंस, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियन। ठीक है जी, और जो भी डिटेल मांगी जाए आप भर दीजिएगा फॉर्म में। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भरने हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट भरने से कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उनको भी आज क्लियर कर देते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी कार्ड आपका होना चाहिए इनमें से कोई भी। ठीक है जी, और उसके बाद यहां पर क्लास 10th की मार्कशीट आपके लिए होनी चाहिए या फिर पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये लोग कई पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट में सर क्या क्या लगाना है, मार्कशीट लगा सकते हैं कि नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आप ये कॉलेज से ले सकते हैं या बाहर से किसी से बनवा सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट आपके लिए प्रोविजनल डिग्री हो तो वो, या फिर आपके लिए क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी लोग पूछ रहे थे कि सर 31 मार्च से बाद की डेट यहाँ पर दी हुई है कि 31 मार्च के बाद की डेट होनी चाहिए। ठीक है, 2020 अगर आपकी सर्टिफिकेट इससे पुरानी है तो आप देखिए अप्लाई कर दीजिए नई के लिए, रिन्यू करवाने के लिए। लेकिन अभी आपके पास नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं इसे। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अपलोड कर दीजिए, फॉर्म मत रोकिए अपना। चलिए, उसके बाद आप फीस पे कर दीजिए और उसके बाद नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप ऐसा कर सकते हैं और आपकी यहाँ पर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इज देयर एनी प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम दैट आई एम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर? जी आपको एक प्रिंट आउट लेना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का, वो रखिएगा अपने पास। फीस रिसिप्ट और 4 फोटोग्राफ जो, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड की थी, तो वही फोटोग्राफ यहाँ पर आप अपलोड कीजिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपॉइंट की थी। व्हाट इफ आई एंटर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट माई फॉर्म, शैल आई बी अलाउड टू चेंज इट लेटर?
अब देखिए, ये लोग कई लोग पूछ रहे थे कि जब मैं गलत भर दूंगा तो रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, उनके लिए आंसर दिया गया है द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एप्लीकेंट फॉर्म सबमिटेड अस एंट्रेंस एट फलाना दिखना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि आपका नाम पता नहीं चेंज किया जाएगा। तो अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो यू कैन रीफिल इट ऑलवेज, जल्दी से रीफिल कर दीजिएगा, टाइम मत खराब करिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं, कैन आई सबमिट माई फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, हाँ जी नहीं, ठीक है ऑनलाइन ही आपको देना है, ऑनलाइन ही दीजिएगा। कैन आई सबमिट ऑनलाइन फॉर्म एंड पे फीस लेटर ऑन अ लेटर डे और थ्रू कैश, नो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। चलिए जी, व्हेन विल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ड्यू एलएलबी 2020 एंड तो ये कब रिलीज़ होगा, तो अब रिलीज़ हो चुके हैं, आप भर सकते हैं 4 जुलाई तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डू आई नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, नो बिग नो, आपको कोई फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर ऑफलाइन आकर। कैन अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और अ स्टूडेंट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट फिल द ईयर, फिल कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं आप, अपियरिंग है तो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इफ़ आई सबमिट इनकम्प्लीट फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि फीस पे नहीं करते जब तक आपको फुल नहीं माना जाता, और फीस आप तभी पे कर पाएंगे जब फॉर्म भर दिया होगा। स्क्राइब रीडर टू हेल्प पीडब्ल्यू स्टूडेंट, जी हाँ आप ले सकते हैं उसके लिए। कैन आई कंटिन्यू माई जॉब वाइल परसुइंग एलएलएम, एलएलएम जो 2 ईयर वाला कोर्स है वो फुल टाइम कोर्स है, 3 ईयर वाला जो कोर्स है वो यहाँ पर इवनिंग बैच होते हैं, तो आप उस टाइम पर कर सकते हैं। डू आई सिक्योर एडमिशन इन डी यू एलएलबी एलएलएम कोर्स वंस आई फिल द ऑनलाइन फॉर्म प्रॉपरली एंड पे द एडमिशन फॉर्म फी, जी यस, ठीक है जी, ऐसा नहीं है, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस क्लियर कीजिए उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, लिस्ट में नाम आने के बाद, ठीक है जी। अब एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो एडमिट कार्ड जी थोड़े दिनों में दिया जाएगा जब आपको एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन डेट्स वगैरह आ जाएंगे, अभी तो डेट्स ही नहीं आई हैं। NTA एग्ज़ाम लेता है, ठीक, और फीस एग्जामेशन यहाँ पर वीमेन कैंडिडेट के लिए नहीं है कोई भी, तो अगर आप महिला भी हैं तो भी आपको उतने ही देने पड़ेंगे जितने पुरुषों को देने पड़ रहे हैं फीस के लिए पैसे। पैटर्न क्या रहता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का DULLB के लिए, चलिए जी आपके लिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो यहाँ पर सेम ही होगा 2019-20 का था जो, वही 100 क्वेश्चन आपके लिए होते हैं, ठीक है, MCQ आपके लिए होते हैं, किस किस चीज़ से होते हैं, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटीज़, उसके बाद लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, और जनरल नॉलेज, ये 5 चीज़ें जो आपको सिलेबस दिया गया है, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं दिया गया स्पेसिफिक। चलिए जी उसके बाद हम आते हैं, लैंग्वेज ऑफ एंट्रेंस इंग्लिश होगी, इंपॉर्टेंट है, कई लोग पूछते हैं। चलिए, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, 4 मार्क्स एक क्वेश्चन करेगा, और नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होगी -1 की, ठीक है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। द जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट विल बी सप्लाइड लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जब एग्जाम की आपके लिए आ जाएगी। LLM के लिए भी लगभग सेम ही चीज़ें, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सब चीज़ें सेम है, 2 घंटे का इनका भी एग्जाम है, और यहाँ पर आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन किस किस के होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिसप्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ पर साइबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप, और इन सभी के जो होंगे आपके लिए चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग जो है वो 4 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के लिए, और 1 मार्क -1 +4 और -1 की यहाँ पर डिडक्शन है। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन अप्लाई फॉर DULLB LLM एग्ज़ाम, जी इरेलेवेंट, कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है, नो लिमिट यहाँ पर आपके लिए। चलिए, हाउ विल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर रिजल्ट, तो जी वो आपको वेबसाइट पर मिलता है, ऑनलाइन पोर्टल पर मिलता है, वो आपको बता दिया जाएगा। जब वैसे भी आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं सोशल इंडियन पर, तो आपको वो चीज़ बता ही दी जाएगी, तो आप उसके लिए चिंता ना करिए, जब सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हाउ कैन वी चेक आर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्जाम, तो आंसर की अवेलेबल हो जाती है थोड़े दिनों में, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे दे सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन ट्रैकर आता है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपके लिए आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा एग्जाम का, आपकी एज सर्टिफिकेट यानी 10th की सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगी, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगी, मार्कशीट चाहिए होगी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम की, शेड्यूल कास्ट ट्राइब और OBC या EWS की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चल रही होगी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए आपको OBC के लिए, इसका ध्यान रखिएगा, और आपको प्रिंट आउट लेना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अपने का। तो ये 8 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आप एंट्रेंस क्लियर करके आते हैं एडमिशन फॉर्म काउंसलिंग के लिए। चलिए जी आगे आते हैं, इस दर एनी एज लिमिट और फॉर वैलिडिटी ऑफ OBC SC और ST सर्टिफिकेट्स, ठीक है, तो टाइम लिमिट होना चाहिए कि क्रीमी लेयर की जहाँ भी बात आती है, तो यानी OBC की आती है, तो वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 31 मार्च की डेट दी गई है, मैं आपको क्लियरली लिख देता हूँ, 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए वो 2020।
चलिए जी, अब टाइम लिमिट क्या है वैलिडिटी का, तो मैंने बता दिया आपको, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके आप रख लीजिए, आपके लिए काम आता है, फ़ायदा रहता है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए होती हैं। हाउ मच टाइम स्टूडेंट गेट्स टू सबमिट डॉक्यूमेंट, अगर वो नहीं दे पाता है तो उसको एक थोड़ा सा टाइम दिया जाता है रिपोर्टिंग के लिए, अगर प्रोड्यूस करता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम दिया जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देने के बाद। इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ड्यू रिजर्वेशन टू द कैंडिडेट, जो जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। अब आई फॉरगॉट टू मेंशन, एरोनियसली मेंशन रॉन्ग कैटेगरी टाइम ऑफ फिलिंग, चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते जी। चलिए, कैन आई टेक एडमिशन इन जनरल कैटेगरी इवन इफ आई बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है जी, तो ये आप ले सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो। चलिए उसके बाद आते हैं, कैन आई क्लेम रिजर्वेशन इन मोर देन वन कैटेगरी, जी नहीं, एक बार में आप एक ही कैटेगरी में रिजर्वेशन ले सकते हैं, जनरल SC ST OBC में, किसी में भी। चलिए, इफ़ एनी सीट रिमेन वैकेंट इन द रिजर्व्ड कैटेगरी विल इट बी फिल्ड बाय अनदर कैंडिडेट, ठीक है, अब जो SC कैटेगरी में सीट रहेगी वो SC में ही भरी जाएगी, OBC की रहेगी OBC में ही, ऐसे ही जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए होंगे वो सभी कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे ही भरे जाएंगे। इज देयर एनी सुपर न्यूमररी सीट अवेलेबल एंड हाउ दे विल बी फिल्ड, अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी पहले ही बताती है कि इतनी सीट्स खाली रह गई थी पिछली बार और दोबारा से उनको फिल किया जाएगा इस बार एंट्रेंस एग्जाम से, पर ऐसा भी मुझे दिख नहीं रहा है। वहाँ पर आपके लिए 3320 सीट यहाँ पर आपको दिखी थी पिछली बार, अभी जो हमने क्वेश्चन में आपको आंसर किया था। इज देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विच इज़ टू बी फिल्ड बाय फॉरेन नेशनल्स, तो जी फॉरेन नेशनल्स हमारी वीडियो नहीं देखते, हम हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो इस पर हम क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है, 5% ऑफ टोटल सीट का रिजर्वेशन है। चलिए जी, इज देयर एनी रिजर्वेशन फॉर विडो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, तो जी हाँ, यहाँ पर है उसके लिए, ठीक है, अब आपके लिए एनक्लोज फॉर्मेट में आपको इनमें से किसी प्रॉपर लेटर हेड पे से आप बनवा कर सर्टिफिकेट ला सकते हैं CW की। चलिए, दस डे यूनिवर्सिटी फॉलो प्रेफरेंस ऑर्डर इन केस ऑफ रिजर्वेशन, CW के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर लिया जाता है, तो ये है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 कैटेगरीज हैं आपकी मिलिट्री कैटेगरी जो आप फॉर्म में देख रहे होंगे और फॉर्म में आप भरना चाहते होंगे, तो भी यहाँ पर आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही प्रेफरेंस है कैटेगरी है। चलिए जी, उसके बाद इस देर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू एडमिशन और एनी रिलेटेड मेथड हुम अ कैंडिडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, आफ्टर द एडमिशन आर ओवर ऑल एडमिशन फाइल यहाँ पर जो है वो रेस्पेक्टिव सेंटर्स में पहुँच जाती हैं, उसके बाद आप सेंटर ऑफिस में कंफर्म कर सकते हैं। आर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ, आपको करने पड़ते हैं उस टाइम पर, येस। इज इट मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू अपीयर इन पर्सन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जी हाँ, आपको अपीयर होना पड़ेगा इन पर्सन। उसके बाद हाउ मच इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर DULLB एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आ चुका है, एडमिशन बुलेटिन PG एडमिशन के पोर्टल पर यहाँ पर वो खुला हुआ है। तो इसी के साथ हमने 85 क्वेश्चंस का यहाँ पर आपके लिए आंसर किया। अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में अगर अभी भी कोई डाउट आया है या डाउट अभी भी कोई रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है जी। अब एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप मुझे प्लीज़ पर्सनली मैसेज ना करें, ठीक है, पर्सनली अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तो यू कैन मैसेज, और कॉल तो कतई ना करें, लोग क्या कॉल करने लग जाते हैं और टाइम नहीं देखते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर जो DU ने अपने वेबसाइट्स पर दी गई हैं उन पर कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑफिशियल आदमी है, आप मुझसे पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे तो उन्हें लिमिटेड नॉलेज होगी और जेन्युइनिटी नहीं रहती उस चीज़ की, तो आप जेन्युइन सोर्सेज को पकड़िए, ऑफिशियल सोर्सेज को पकड़िए और उनसे जाकर ये इंक्वायरीज कीजिए। अब जो भी लोग मुझसे इंक्वायरी पूछेंगे मैं उनको इस वीडियो का लिंक दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के लिंक के बाद उनकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी। और अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एडमिशन या फिर किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, तो हमें लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है भाई, माता रानी आपको पाप लगाएगी इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद भी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर पा सकें। अब आप सभी को इतनी बड़ी वीडियो आप लोगों ने देखी तो बड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शांति से बैठते हैं और बातें करते हैं और भारत माता की जय। जय हिंद।